हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस। पिछले वीडियो में हमने मर्जर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लघुत्तम समाप्त पर्तय यानी एलसीएम। और इससे अगले वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको अभी से बता दूं ताकि आप इस वीडियो को भी पूरा समझे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लसर और मस से जुड़े परीक्षा में आ चुके और आने वाले महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि लघुत्तम समाप्त पर्तय होता क्या है। तो सबसे पहले हमें सवालों को हल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि लसर क्या होता है। तो लसर क्या होता है, लघुत्तम समाप्त पर्तय, इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो समाप्त पर्तय क्या होता है, समाप्त पर्तय क्या होता है वह हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आगे शब्द लगा है लघुत्तम यानी सबसे छोटा। तो ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दो या दो से अधिक जो भी संख्या हमें सवाल में दी गई है उनको पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसको तो कहते हैं समाप्त पर्तय। इसके आगे शब्द लग गया लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, मतलब छोटे से छोटा। ये सुपरलेटिव डिग्री है लघु की। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसको कहते हैं लघुत्तम समाप्त पर्तय। अब लघुत्तम समाप्त पर्तय निकालते कैसे हैं, इसके सवालों को हल कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो हम इसकी दो विधियां हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। तो पहले मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि सिखा रही हूँ। चलिए देखिए, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। संख्या है एक ले लेती हूँ 48, दूसरी है 80। तो इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है, तो इन दोनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लसर ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं 48 और 80, एक बार अलग अलग निकालते हैं। देखिए भाजकता के नियम आप जान चुके हैं, तो यहाँ लगेगा दो की भाजकता का नियम, दो दुनी चार और चार दुनी आठ, ये हो गया 24। फिर दो से जाएगा ये आएगा 12 दुनी 24, फिर दो से जाएगा 6 दुनी 12, फिर दो से जाएगा 3 दुनी 6 और 3 से जाएगा तो 1। ये तो हो गए 48 के अभाज्य गुणनखंड, या मैं लिख देती हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड का पूरा टॉपिक आपको समझा चुकी हूँ मैं। चलिए 80 के देखिए, 80 में भी 2 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 40, 40 × 80 होता है। फिर 2 से जाएगा 20 × 40, फिर 2 से जाएगा 10 × 20, 2 से जाएगा 5 × 10 और फिर 5 से जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ये हो गए 80 के अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए इसको भी मैं यहां लिख देती हूँ, ये हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब देखिए ये तो हो गए अभाज्य गुणनखंड, अब इसका लसर कैसे निकालना है। लसर निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं इनको घातों के रूप में लिख दूं और जो सबसे बड़ी घात है उसको लिख देती हूँ, या फिर मैं इनको कॉमन लेती हूँ। इनमें कॉमन क्या चीज है, अब देखिए LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दो इसमें भी आ रहा है, दो इसमें भी आ रहा है, दो को मैं लिखूंगी एक बार। ठीक है, ये हमने मसा में सीखा था, इसमें थोड़ा सा मेथड अलग है। ये दो दूसरी बार आ गया, फिर ये दो तीसरी बार आ गया, फिर ये दो चौथी बार भी आ गया। ठीक है, अब देखिए चार बार हमारे पास 2 आ गया, अब हमारे पास 3 और 5 बचा। कॉमन को तो मैंने एक बार लिख दिया, अगर इसका मसा निकालते तो हम इसको यहां तक कर देते, लेकिन लसर है चूंकि, तो यहाँ 3 और 5 अकेला है तो हमें इनको भी लेना होगा। ठीक है, अब इनका आप गुणा करेंगे तो ये आपका LCM निकल जाएगा। चलिए गुणा कीजिए, कितना होगा, 5 × 3 = 15, 15 × 30, 30 × 60, 60 का डबल कीजिए कितना होगा 120, 120 का दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 240। तो हमारा इसका LCM आ जाएगा 240। देखिए कैसे निकला, फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, हमने सबसे पहले किए 48 और 80 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हमने लिख दिए, उसके बाद हमको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, दो इसमें भी था और दो इसमें भी था, दो को एक बार लिखा, फिर दो दोनों में था एक बार लिखा, फिर दो दोनों में था एक बार लिखा और फिर दो दोनों में था तो एक बार लिख दिया। अब क्या करना है, चूंकि ये लस्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं मजाक के तौर पर, लोकल सवाल मतलब सबको हमें बिठाना होगा, तो यहाँ पर 3 और 5 जो बच गया है हमें उन्हें भी एक एक बार रख देना है और इसके साथ ये गुणे में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 240। अगर इसको दूसरे रूप में लिखते तो हम इसको ऐसे भी लिख देते कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यहाँ लिख देते 2 की घात 4 × 3
और यहाँ लिख देते फिर वापस से 2 की घात 4 गुणा 5। तो लसा हम लिख देते 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5, तो भी हमारा उत्तर 240 ही आएगा। ये घात के रूप में कैसे लिखना है वो मैं आपको घातांक के टॉपिक में समझाऊंगी। चलिए अब ये तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भाग विधि द्वारा लसा कैसे ज्ञात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं भाग विधि से लसा ज्ञात करना है, तो हमारी दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि से लसा और भी सरल है, क्योंकि ये भाग विधि से हम मसा ज्ञात करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन लसा ज्ञात करना उतना ही आसान है। तो संख्या ले लेती हूं मैं है 18, 24 और 20। इसका मुझे लसा ज्ञात करना है भाग विधि से, तो मैं इनको अलग अलग ना लिखकर इनको साथ में ही लिख दूंगी। चलिए अब करेंगे हम वही जो अभाज्य गुणनखंड का तरीका अपनाए हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या होनी चाहिए। चलिए 18 में लगाइए तो 9 दुनिया 18 हो जाएगा, फिर 24 में लगाइए तो 12 हो जाएगा, 12 दुनिया 24, और यहाँ हो जाएगा 15 दुनिया 30। फिर से हम लाइन खींच देंगे। अब वापस 2 का भाग लगाएंगे। अब देखिए आप कहेंगे कि 9 में तो 2 का भाग जाएगा नहीं और 15 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसमें भाग जा रहा है उसमें तो हमको भाग देना है, जिसमें नहीं जा रहा है उस संख्या को हमको जैसी थी वैसी एज इट इज रख लेना है। तो 9 में भाग नहीं जाएगा तो हम 9 को वापस लिख लेंगे, फिर लगाएंगे कोमा। अब 12 में 2 का भाग जा रहा है तो 6 दुनी 12 होता है, लिख दिया। फिर 15 में नहीं जाता तो 15 को हमें वापस लिख देना है। अब वापस लाइन खींचनी है, आराम से कीजिए, अच्छे से समझिए, अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाइए। फिर लिखिए 2, फिर से 2 से जाएगा, किस में जाएगा, देखिए 9 से तो नहीं जाएगा, 6 में जा रहा है, 3 दुनी 6 और 15 में जा रहा है। अब देखिए तीनों में से किसी भी संख्या में अब 2 का भाग नहीं लगेगा। अब हमें किसका लगाना होगा, अब हमें 3 का लगाना है, ठीक है। अब 3 का लगाएंगे, फिर 9 में जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, और 15 में कैसे जाएगा, तो 5 3 15। अब फिर 3 में जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, और 5 में नहीं जाएगा तो 5 को 5 लिख दीजिए। फिर 5 में जाएगा, 1 1 और 1। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारा आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा ये लसा, इन तीनों का लसा एक साथ आ जाएगा। चलिए करते हैं, 5 का 3 में गुणा कीजिए, 5 3 क्या हो गया 15, 15 3 हो गया 45, 45 दुनी क्या हो गया 90, 90 दुनी हो गया 180, और 180 गुणा 2 करेंगे तो हो जाएगा 360। ये हमारा उत्तर आ गया 360। तो ये हमारा क्या था, LCM आ गया 360। किसका आ गया, भाग विधि से 18, 24 और 30 का लसा हमने ज्ञात किया है। देखिए बहुत सरल विधि है, अभाज्य गुणनखंड से भी बहुत सरल है, ठीक है। आगे हम कुछ सवाल करते हैं, देखिए यहीं पर करवाती हूँ मैं आपको सवाल। एक सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20 और 24 से पूरी पूरी विभाजित हो। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि सीधा संख्या ना देकर आपको इस तरह सवाल पूछ सकता है कि वह छोटी से छोटी, तो आपको शब्द पकड़ना है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि छोटी दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है और बड़ी दिया है तो हमें क्या ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था महत्तम समापवर्ती, यानी अगर दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या तो आएगा मस, और अगर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने का दिया है तो हमें ज्ञात करना होगा लस। तो हमारा सवाल है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 20 और 24 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों का भी लस ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम भाग विधि से ही कर लेते हैं, तो करेंगे 2 से भाग लगाएंगे, 8 दुनी 16, और यह आएगा 10, यहाँ आ जाएगा 12। देखिए क्योंकि भाजकता के नियम अगर आपको याद है तो यहाँ भाग लगाना बहुत आसान हो जाता है, 12 दुनी 24 होता है, 10 दुनी 20 होता है और 8 दुनी 16 होता है। फिर से 2 में लगाइए, 4 आएगा, फिर ये 5 आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 6। चलो फिर से 2 में लगाएंगे, 2 दुनी 4, 5 में नहीं जाएगा तो 5 को लिख देंगे, और 2 3 6। अब फिर से 2 में लगाइए, देखिए एक बार जाएगा, ये 5 का 5 आ जाएगा, 3 का
तीन। अब आप करेंगे क्या करेंगे, कुछ बात नहीं है, एक बार तीन का करना है, एक बार पांच का करना। चलिए तीन का कर लीजिए, एक पांच, एक इधर पांच, एक एक और एक। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास आया पांच दिया, पंद्रह, पंद्रह दुनी तीस, तीस दुनी साठ, साठ दुनी एक सौ बीस, और एक सौ बीस इंटू दो सौ चालीस, तो इसका हमारे पास लसा आ जाएगा 240। बहुत आसान था सवाल, क्या था, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी थी जो इन तीनों से पूरी विभाजित हो, तो यहाँ आ गई 240। चलिए आगे एक कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताती हूँ, बने रहिए मेरे साथ, सवालों को नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि आप जब परीक्षा की तैयारी दोबारा करेंगे, रिविजन करेंगे, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा टॉपिक, आप भूल लेंगे नहीं। चलिए देखिए सवाल है, दो घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है, इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं कि दो घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है, पहली घंटी हर तीन मिनट बाद बजती है और दूसरी घंटी हर पांच मिनट बाद बजती है, तो दोनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी, कितने टाइम के बाद दोनों घंटियां एक साथ बजेंगी, तो आप इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, आप समझ में आ रहा है आपको, किसी को भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये सवाल किस किस को समझ में आया। ठीक है, दो घंटियां हैं एक साथ बज रही हैं, एक तीन मिनट में बज रही है, दूसरी पांच मिनट में बज रही है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए भी तीन और पांच का क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है। इतना बड़ा सवाल है लेकिन इसका उत्तर बहुत ही छोटा है, क्यों, पहली घंटी देखो तीन मिनट में बजती है, दूसरी घंटी पांच मिनट में बजती है, ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, तीन और पांच का लसा। तो देखिए भाग विधि से तो एक तीन एकम तीन, पांच का नहीं गया, फिर पांच एक और एक, तो पांच दिया क्या हो गया पंद्रह, तो तीन गुणा पांच हमारा उत्तर आ गया पंद्रह। तो अगर पहली घंटी तीन मिनट में बज रही है, दूसरी घंटी पांच मिनट में बज रही है, तो दोनों एक साथ पंद्रह मिनट बाद दोनों घंटियां एक साथ बजेंगी, बस इतना सा इसका उत्तर है छोटा। देखिए सवाल कितना बड़ा था और उत्तर कितना छोटा है, तो कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है यदि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, इसका थीम अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ऐसा ही एक सेम सवाल है कि दो बच्चे हैं स्नेहा और वंश, प्रत्येक तीसरे और पांचवें दिन वो बाजार जाते हैं, ठीक है, तो आज अगर दोनों बाजार गए हैं तो वो अगली बार दोनों साथ में बाजार कब जाएंगे, तो तीन और पांच, यहाँ पर भी तीसरा दिन और पांचवा दिन पूछा है, तो वही करना है, तीन और पांच का हमें क्या ज्ञात करना है, LCM यानी लसा ज्ञात करना है, तो पांच गुणा तीन कर दीजिए, पांच दिया पंद्रह, तो वो तीसरे और पांचवें दिन बाजार जाते हैं, अगर आज गए हैं तो अब वो पंद्रह दिन बाद वापस से बाजार साथ में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ लिया लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, अब इसका एक अच्छा सा सूत्र है, आप देखिए LCM गुणा HCF, LCM गुणा HCF इसका बराबर क्या करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये है एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि LCM गुणा HCF का मतलब होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये इससे जुड़े भी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं, यदि दो संख्याएं दे रखी हैं और उनका LCM और HCF दिया गया हो तो ये दोनों समान होते हैं, यदि आपको एक संख्या नहीं दे रखी और LCM और HCF दे रखा है तो हम दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये सवाल और इससे जुड़े और भी परीक्षा उपयोगी सवाल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में जीरो से हीरो बनने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, धन्यवाद।